लालकुआ विधानसभा के वरिष्ठ नेता एवं एएसी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच रहेगा। इसमें आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। यहां एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नैनीताल एएसी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य मुकाबला भाजपा से है और आप मुकाबले में भी नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनावों में चेहरा मुख्य होता है और इसमें आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मुकाबले में कहीं नहीं है तथा प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और लोग पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर विश्वास करते तथा हरीश रावत के नेतृत्व और जनता के सहयोग से कांग्रेस विधानसभा चुनावों में सत्ता में वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कार्यरत प्रदेश की भाजपा सरकार जन विरोधी है, जिसने महज दिखावा करके जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को बदहाल कर दिया है। किसान, नौजवान, व्यापारी सभी भाजपा की नीतियों से परेशान है। देखो, आम जनता का जो रुझान है वो केवल कांग्रेस के साथ है, क्योंकि देख लीजिए आप, किसान से लेकर के मजदूर से लेकर के जो आज प्रोड्यूस हो रहा है, जो जनता आज रोड पे निकल रही है, पिछली बार तुमने देखा होगा 8 तारीख को भारत बंद था और उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने, सारे संगठन लोगों ने समर्थन दिया और जो कंधा कानून जो था, इनका जो मूल वो था, वो कानून को विरोध में सभी लोग एक सड़क पर उतरे थे। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, वो कहीं ना कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो हमारे जो यहाँ के जो इस तरीके से बोल रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ की जो उत्तराखंड की भौगोलिक से लेकर के और यहाँ की जो पहाड़ी के एरिया से लेकर के, कहीं ना कहीं उनका उसमें कोई मतलब ही नहीं है। वो कहीं नहीं है, केवल अपना जड़ बैठाने के लिए कहीं ना कहीं अपना वो बयानबाजी कर रही है। सीधा मुकाबला हमारा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से मानते हैं, लेकिन अब ऐसी हालत इस प्रदेश में हो गई है त्रिवेंद्र रावत सरकार में, जिन्होंने पूरे जो कर्मगार उसमें जो 400 करोड़ रुपए का घोटाला करा और छात्रवृत्ति का जो घोटाला है, कई घोटाले में सरकार फंसी हुई है और किसी भी तरीके से यहाँ जो पूरे जो उत्तराखंड में जो योजना थी, जो कार्यक्रम होने चाहिए थे और जो मतलब एक सरकार के उसमें जो डबल इंजन की सरकार थी, जिसमें डबल इंजन के हिसाब से पूरा प्रदेश में काम होगा करके लोग मान रहे थे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज उत्तराखंड की जनता ये चाहती है कि ये अच्छे दिन तो नहीं लाए, लेकिन ये दिन कैसे जाएंगे और कैसी ये लोग आप वापस होंगे, इस मांग को लेकर के पूरी जनता इस बार कांग्रेस साथ है। और हमारे जो माननीय प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष मैडम इंदिरा देश जी हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरि रावत जी हैं, तो हम एकजुटता के साथ इसको कांग्रेस को लाएंगे और आने वाली 2022 में कांग्रेस सरकार बनेगी। और मैं एक और एक